उस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी ने 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। सीएम योगी अब गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव, वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। यूपी के पहले चरण की बात करें तो 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, दूसरे चरण के यहां पर 48 प्रत्याशियों की सूची जारी है। वहीं बाकी नामों की जल्द ही घोषणा हो सकती है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट मिला है, तो वहीं शामली से यहां तजेंद्र सिंह निर्वाल का नाम सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी ने 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से यहां चुनाव लड़ते नजर आएंगे। शामली की बात करें तो यहां पर तजेंद्र सिंह निर्वाल का नाम सामने आ रहा है, बुढ़ाना से उमेश मल्लिक। वहीं चरथावल की बात करें तो सपना कश्यप को टिकट दिया गया है। पुरकाजी से लेकर तमाम मुजफ्फरनगर खतौली सबके नामों पर यहां पर अब स्वीकृति बनी और उसके बाद सबको टिकट दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जहां विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ साथ आपको बता दें कि अब यहां पर बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। यहां केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो यहां सिराथू से अब वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर से बात करें तो यहां कपिल देव अग्रवाल को टिकट दिया गया है। खतौली से विक्रम सैनी, मीरापुर से प्रसाद गुर्जर, वहीं सिवाल खास से मनेंद्र पाल, वहीं सरदरा से बात करें तो संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटिक, मेरठ केंट से अमित अग्रवाल और करोट से सत्यवीर त्यागी को टिकट मिलना बताया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि परसों की तारीख जब थी तब कांग्रेस ने यहां पर अपनी लिस्ट जारी की थी, जिसके दो दिन बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें यहां 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। दूसरे चरण की बात करें तो 48 प्रत्याशियों की सूची, यानी कि दो सूची यहां पर बीजेपी ने जारी कर दी है। बाकी के नाम जो बचे हुए हैं उनकी जल्द ही घोषणा हो सकती है। लेकिन प्रमुख रूप से आपको बता दें कि यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बीजेपी ने अभी फिलहाल की अगर बात करें तो 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, बाकी की सीटों पर भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। 48 प्रत्याशियों की सूची जारी दूसरे चरण में, पहले चरण की बात करें तो 57 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। मथुरा से श्रीकांत शर्मा, तो वहीं यहां शामली से तजेंद्र सिंह निर्वाल को टिकट दिया गया है, बुढ़ाना से उमेश मल्लिक। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रोहित दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बीजेपी ने पहली और दूसरी दोनों सूची को जारी कर दिया है, किन किन दिग्गज लोगों के नाम इसमें जोड़े गए हैं? देखिए, अभी तक जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जो चल रहा था वो अयोध्या से चल रहा था, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं के मंथन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर सीट से जो है चुनाव लड़ेंगे। मैदान में है श्रीकांत शर्मा भी, श्रीकांत शर्मा को टिकट मिला। कुछ प्रत्याशियों की सूची है, जैसे कि शामली से तेजेंद्र सिंह निर्वाल है, बुढ़ाना से उमेश मलिक है, चरथावल से सपना कश्यप है, पुरकाजी से प्रमोद ओटावल है। ऐसे तमाम लोग जो है वो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। बागपत से योगेश धामा, बड़ौत से केपी मलिक, छपरौली से सहेंद्र माला, प्रत्याशियों की लगातार घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि जो अहम सीटें थी जहां पर कैराना में मृगका सिंह जो है उनको दिया गया है टिकट, थाना भवन से सुरेश राणा जो है उनको दिया गया है, शामली से तेजेंद्र नरवाल को दिया गया है, बुढ़ाना से उमेश मलिक को दिया गया है। तो आपको बता दें कि कैराना में जो है सीट हार गई थी भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में जो है कैराना से मृगका सिंह को उतारा गया है। और सबसे बड़ी और अहम बात आपको बताना चाहेंगे कि यह सुर्खियों में था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम के दरबार को जो है बहुत अच्छे से अपनी सरकार में बनवाया है, तो मुख्यमंत्री वहां से जो है लगेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़े दिग्गज नेताओं का जो है दिल्ली में बैठक हुई, बैठक के दौरान यह लिस्ट जारी करी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अभी और कुछ नाम रह गए हैं, जिसमें यूपी पहले चरण में 57 लोगों की जो है लिस्ट जारी की है, दूसरे चरण में 48 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है। कुछ बचे नामों की जल्द ही घोषणा हो सकती है और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। जी रोहित, जैसा कि देखा जाता है कि बीजेपी हमेशा नए चेहरों को भी मौका देती है, तो पहली और सूची में और दूसरी सूची में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं नए चेहरे को लेकर?
देखिए मुख्य जो भारतीय जनता पार्टी है दिल्ली के बड़े दिग्गज नेताओं के मंथन के बाद कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरे आए हैं, जो लगातार जो है वर्तमान समय में विधानसभा चुनाव जो लोग हारे हैं, जिनका दबदबा वहां पर नहीं था, जिनकी पहचान नहीं थी, जो लोकप्रिय नहीं थे, उनको जो है बीजेपी ने सर्वे कराकर उनको बाहर कर दिया है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर हुए, दारा सिंह चौहान बाहर हुए, से तमाम जो है विधायकों को है बाहर कर दिया है और उनको टिकट भी नहीं दिया। नए विधायकों का नया चेहरा नौ युवाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी अवसर दे रही है और कहीं ना कहीं इसका असर जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी ने 105 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दो सूची जारी हुई है, जहां पहले चरण की बात करें तो यहां पर 57 प्रत्याशियों के नाम की यहां पर सूची है, वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 48 प्रत्याशियों जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी के नामों की घोषणा जल्द ही करेगी बीजेपी।